जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आप हमारे सभी कार्यक्रम चंदन दीवाना चैनल के माध्यम से देख सकेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इन कार्यक्रमों को जरूर देखें। शाबाश बेटे, शाबाश। सबसे पहले इस गांव की पावन रज को नतमस्तक करते हुए चंदन का बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस को मंच के माध्यम से सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, राम राम, राम राम। यहाँ पर विराजमान ग्राम देवता के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए, बिल्कुल बेटे बिल्कुल, उनसे आशीर्वाद की कामना चाहते हुए कि उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। हम टूटे फूटे कलाकार और कलाकारों में हम भाइयों की गिनती भी नहीं आती ना। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पड़े हैं। आई एम नथिंग। आज हम लोग कुछ प्रयास ऐसा कर दो ऊपर वाले कि हम इन छोटे छोटे भाइयों का, बड़े बड़े दादाओं का दिल जीत सके। तत्पश्चात हवाओं में विचरने वाले तमाम देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। बिल्कुल बेटे। सहयोगी कलाकार आदरणीय भैया श्री राजवीर यादव जी को मेरा मंच के माध्यम से प्रणाम है। ओहो, राम राम था भैया, राम राम। और हमारे सबसे बड़े तीसरे कलाकार, हमारे साउंड वाले भैया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बताओ जी, जोरदार हैं। अब मैं सपना चौधरी कह दी होती लेकिन बजा दिए तो खड़े हो जाते। जोरदार तालियां बजाइए, बोल कन्हैया लाल की जय। और चौथे कलाकार के रूप में हमारे, जो आप सभी लोग बाद में YouTube पर कार्यक्रम देख सकेंगे, एक हमारे चाचा श्री संजय चाचा जी का ये चैनल लगा है, माय डियर अंकल। और एक हमारे आदरणीय बड़े भैया ब्रजमोहन राठौर जी का चैनल है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उनका सहयोग है तब मैं आज यहाँ हूँ। आइए ज्यादा विलम्ब न करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए छोटा सा लघु वाद वादन, उसके बाद में कार्यक्रम प्रारंभ। लेते हुए आइए वंदना की तरफ, आराम से बजाओ, पैसा उतना ही मिलेगा। Let me go!
वरना नाम रथ संघाना तारो वंदे बाड़ी विनायको नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, जैसा कि आदरणीय भैया जी ने बताया कि फिल्मी धुन आई, हाँ इधर भी सुनी थी, चलते चलते सुनिए। ओ सुनिए, अरे कितने युगों से तुझको पुकारे मेरा प्यार तुझको पुकारे मेरा प्यार तो आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे प्यार में तुझको पुकारे मेरा प्यार। अब सुनिए, भक्त जब मैया के दरबार में जाता है तो है कहता है माँ माँ अरे मैया मेरे पास कोई साधन नहीं है ना? हम जितने यहाँ पर भक्त बैठे हैं तुम्हारे बच्चे हैं, यहाँ कोई राजा बन के नहीं आया, ना 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 यहाँ सब भिखारी बन के आए हैं। और मैया मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दर से ब्रह्मा विष्णु महेश तक भीख मांगते हैं, तो हम लोगों की औकात क्या है? दीपक में सूरज के जैसा जोश नहीं होता, दीपक में
सूरज के जैसा जोश नहीं होता, समर्थवान को कभी कोई दोष नहीं होता। दुनिया में प्यार कोई भी कर ले भैया, दुनिया में प्यार किसी से भी कर लेना, लेकिन जब तक माँ प्यार नहीं देती तब तक दिल में संतोष नहीं होता। इसलिए आए मैया पे तू हो के सवार हो। बड़ा विवश हूँ आज गाने के लिए, आंसू आ रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। ये बात मैंने कमेटी को बताई थी 10 दिन पहले, हमारी तबीयत खराब हुई और टाइफाइड वगैरह भी निकला है, 9 पॉइंट 4 बता दिया। वो भी आज जब यहाँ कार्यक्रम के लिए सुबह तैयार हुए तो मेरी बहन छोटी, इसकी अभी शादी की थी, चाचा तो गए, वो भैया दूध लेके आ रही थी, बोली भैया को पहले खिलाऊंगी तब जाके खाना खाऊंगी। पृथ्वी आपके एटा में आके एक्सीडेंट हो गया। पूरा दिन सुबह 7 बजे से हम लोग वहीं थे, पैर में चोट है, दोनों हड्डी टूटी है, ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोल दिया सर पे भी चोट है, बोल नहीं पा रही, लेकिन हम ये गाना बजाना साहब बहुत बुरा होता है। भैया ने कहा चरण भैया टेंट है, लाइट है, साउंड सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया हम बर्बाद हैं लेकिन आप बर्बाद ना हो। निवेदन सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ये कहिए कि हे भगवान मेरी माँ को मेरी बहन को ठीक कर दे, क्योंकि प्यारे उन भाइयों से कभी जाके पूछना जिनकी कलाई सुनी हो जाती है। और मुझे सिर्फ दुख इस बात का नहीं है चोट लगी है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि बेचारी भूखी आई थी और ये कहा कि अब भैया को पहले खिलाएंगे तब जाके खाएंगे, और जब उसको भूख लगी तो चेयर पर पड़ी है और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऑपरेशन हुआ कुछ खिलाना नहीं, तड़पती रही भैया कुछ खिला दो, हम यहाँ चले आए, बाजा बजा रहे। लेकिन आए भैया मन पे तो हो जा सवार हो, सवार तो मैया तुम मैया संगीत की माँ तेरी सार दे दे रसायन की साला मैया प्रथम पाठ साला तुम हो, हृदय विशाल माँ धर्म की हो साला मैया अधर्म को साला माँ तुम चलती मिसाल हो। दुनिया की तू ही माँ पतवार हो, हाँ दुनिया की तू ही माँ पतवार, तो आजा संगीत की तेरी सार दे छिपा लिया भर के कलेजे से यार चंदन को लगा लिया, लेकिन दुश्मन भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ थी, उस दुआ ने मुझको बचा लिया। किन ख्यालों में खो जाते थे, बचपन में न जाने किन किन ख्यालों में खो जाते थे, कोई चिल्ला के बात कर देता था तो हम रो जाते थे। आज तो
नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती, पहले माँ की लोरी में सो जाते थे। उस माँ के लिए जिसने हमको और आपको जन्म दिया, एक बार जन्म देने वाली मैया के दोनों हाथों पर करिए सभी लोग, जिसने हमको और आपको ये दुनिया दिखाई है, बोलिए जन्म देने वाली मैया की। और आइए जन्म देने वाली मैया के लिए दो लाइन। और ये 51 रुपए हमारे रूम सिंह भैया, रूम सिंह वर्मा उर्फ चैंपियन भैया, साउंड दबकर चल रहा है, नगला बदिक से एक बार हमारे भैया को जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जीवन से तुझको अपने जीवन दिया है, जीवन से तुझको अपने जीवन दिया है। माँ बाप जब एक माँ गर्भ से भरती है तो माँ का दर्द वो माँ जान सकती है, हम और आप नहीं जान सकते। कब जानोगे? जब खुद पिता बनोगे। इसलिए जीवन से तुझको अपने जीवन दिया है, अरे का ये कर जा प्यारे, कभी ना भूला भुलाना। और देखिए उस शेरों वाली भैया को किसी ने देखा नहीं है, उस पहाड़ा वाली मैया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने घर वाली माँ को जरूर देखा है। इसलिए अरे का ये कर जा प्यारे, कभी ना भूला भूला। पर अंतिम बात बस यही कहूंगा, माँ बाप कभी ना दुखाना।